और बाकी जो बीपीएल कार्ड, केसरी कार्ड, पीला कार्ड और सफ़ेद कार्ड, मतलब 400-500 रुपये में हम उसकी सोनोग्राफी किए करते हैं। कि हमारा मिशन है कि हमारा मिशन जीरो कुपोषण, मतलब कुपोषण गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चा कुपोषित बच्चा पैदा होने के बाद उस पर खाना प्रोवाइड किया जाता, अमल किया जाता है। हमारा है कि माँ के पेट में अगर बच्चा है, उसका वज़न कम है तो तभी हाँ तो हेल्दी हो जाए, तो अपनी कुपोषण ही अपन पेट में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा कंसेप्ट है गोंदोला, मतलब सब में समान शिक्षा और सब में आरोग्य, सभी को समान मिले, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों दो हस्तियां आज हमारे साथ मौजूद है, जिन हस्तियों का नाम मैंने पहले भी अपने वीडियो में लिया था। और हमारे साथ उपस्थित है तुरमल डॉक्टर प्रवीण येरमे सर और डॉक्टर शारदा येरमे मैडम, आप दोनों का स्वागत है इस वीडियो में। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दूँ कि मैं किस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा मेरा पिछला वीडियो जो बहुत महीने पहले आया था, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि कोरोना के जंग में सब लोग जा रही थे, उसमें पुलिस था, पुलिसकर्मी थे, डॉक्टर थे, और इन लोगों में गरीब जो वर्ग आता है, उस गरीब वर्ग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि कोरोना से जो हॉस्पिटल में आदमी चले जाता है वो वापस नहीं आता, वहाँ पर मर जाता है वगैरह वगैरह की गलतफहमियाँ उस टाइम में बहुत सारे लोगों में थी। इन गलतफहमियों को दूर कर उन लोगों को घर में ट्रीटमेंट देकर अच्छा करना, और कोरोना जो है वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उससे डरना नहीं, उससे लड़ना है, ऐसा बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हमारी जो दाम्पत्य हमारे सामने हैं, डॉक्टर येरमे सर और डॉक्टर शारदा येरमे मैडम, दोनों ने भी बहुत बड़ा काम किया है। इनके जो काम है, यहाँ तक कि जो गाँव वर्ग में है, जो विलेज एरिया में है, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए वहाँ उनके गाँव में एक आरोग्य सेवक, एक आदमी रखकर उनके द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। जो भी पैसा, और यहाँ पे बड़ा सवाल आता है पैसे का, इकोनॉमिकल इशू का, गरीब आदमी कैसे पैसे देगा, गरीब आदमी के पास पैसे होते नहीं हैं। तो इसका जवाब ये है कि सर और मैडम की जो सैलरी आती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, और इनकी जो सैलरी आती है, उन सैलरी से गरीबों का इलाज इन दोनों दंपति ने करवाया है। मैडम जी अपने जो प्रेग्नेंट वूमन है उनकी तरफ बहुत बड़ा ध्यान देती है, और अपने जो विलेज की स्त्रियां हैं उनको भी फ्री में उनका इलाज करती हैं। सबसे पहला सवाल सर जी आपसे कि आपने ये जो काम किया, तो आपके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन इसके बाद भी अभी नया वेरिएंट की बातें चल रही है, तो इस बारे में आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली ये गोंदोला कंसेप्ट है, हमारा आदिवासी गोंडियन का कल्चर है कि गोंदोला, तो इस गोंदोला की एक पार्श्वभूमि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योति तालुका में अति काफ़ी पिछड़ा गांव है, वहाँ पे एक ढोंडा अर्जुनी नाम का गांव है, वहाँ की एक जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ से एक पेशेंट आया था, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, ऑटो उलटने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके दोनों भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो वैसी कंडीशन में पेशेंट ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर में आया, मैं तब आईसीयू में मेरी पोस्टिंग थी, तो उस बंदे को किसी ने बताया है कि डॉक्टर येरमे आपको हेल्प कर सकता है, तो मेरे तरफ आया, मैं जाके देखा पेशेंट को, तो देख तो रियली उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो उसके रीढ़ की हड्डी को मार लग चुका था, तो मैंने उसको कहा कि हमारे पास तो सीटी स्कैन की व्यवस्था है, इसके लिए एमआरआई करना पड़ेगा, तो एमआरआई के लिए कम से कम 8,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, बेचारे गरीब लोग थे, तो उन्होंने गांव में गए, गांव में उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, चंदा मतलब उन्होंने चिल्लर खुर्दा लेके आए, तो खुर्दा मुझे उन्होंने मेरे पास दिया, और मैंने उसको गिना तो कम से कम मुझे 40-45 मिनट लगे वो खुर्दा गिनने के लिए, 8,000 रुपये गिनने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि यार ये कहाँ से लाए, तो सर मैंने हमने चंदा लेके आया, मतलब उनके पास 500 रुपये की भी नोट नहीं थी, जो मिला था उन गरीबी की वजह से। तो फिर मैंने कहा कि किसी दुकान में जाके दे दो और नोट ले लो, और उसके बाद बाहर जाके एमआरआई कर लेना। फिर एमआरआई किया, एमआरआई में ऐसा हुआ कि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड था, वर्टिबल कॉर्ड में तो टूटा था, रीढ़ की हड्डी तो टूट गई थी, लेकिन वो जो उसकी जो टुकड़ा था वो स्पाइनल कॉर्ड को खुपस चुका था, कि जिसके वजह से दस चुका था, तो कि उसके वो ऑपरेशन करके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। मैंने डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि वो फ़ायदा नहीं उसका ऑपरेशन करके, तो फिर 2 दिन के बाद वो पेशेंट मर गया।
तो फिर उसके मैयत के लिए मैं उसके गांव में गया। गांव में जाने के बाद मुझे देखा कि सारे जो मैयत की तैयारी थी गांव के लोगों ने मिलके की थी, ठीक है। खाने की व्यवस्था के लिए भी किसी ने बकरा लाया था, किसी ने मुर्गा लाया था, किसी ने चावल लाए थे, और उन्होंने घर के लोग जिसके घर में मृत हुआ था उसके घर में एक भी खर्चा नहीं लगा। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये गोंदोला। तो गोंदोला का मैंने पूछा कि गोंदोला का मतलब क्या होता है, तो गोंदोला मतलब कि उन्होंने कहा कि एक समूह है, कि अकेला का अस्तित्व नहीं होता, ये समाज है इसलिए मेरा अस्तित्व है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ गोंदोला, कि हमें बांट के खाने की आदत है, अगर शिकार भी करते हैं तो हम समान हिस्से में बांटते हैं और लोगों को देते हैं, तो दैट इज़ गोंदोला कल्चर। तो गोंदोला मतलब रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि समूह में रहने का और समूह में एक दूसरे की हेल्प करने की। तो जैसे एक बंदा का क्वालिफाइड होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही समाज सुधर गया। तो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, हर बच्चा वकील बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC MPSC की एग्ज़ाम क्रैक करके लोग अच्छे अच्छे क्वालिफाइड होकर अच्छे अच्छे स्तरों पर जाना चाहिए। तो दैट इज़ गोंदोला कल्चर। तो इतनी संघर्ष में ज़िंदगी हमारे आदिवासियों को जीने पड़ रही है, तो किसी गवर्नमेंट का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो हमारा गोंदोला कंसेप्ट यह है कि कम से कम जो अच्छे सुधारे हुए जो लोग हैं तो एटलीस्ट उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, जो पिछले लोग। आप ये गोंदोला के तहत क्या कर रहे हैं, कौन सा मिशन है आप? तो फिर हमने सोचा कि शुरुआत में हमने हेल्थ और एजुकेशन मूवमेंट शुरू की है। हाँ। तो हम हेल्थ मूवमेंट में हमने सोनोग्राफी, वहाँ पे बिना सोनोग्राफी से लोग लेडीज जो है कि डिलीवरी करती थी। तो हम मतलब यहाँ भारत बोल रहा है कि हम चांद में जाने की बात करते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आज भी बिना सोनोग्राफी से डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी से दरमियान काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी होते थे, क्योंकि सोनोग्राफी में सारी चीज़ें पता चलती है ना, कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि क्या होता है। तो महिला का मतलब गर्भवती माता का मृत्यु का दर कम करने के लिए, और बच्चों का भी जो मृत्यु का दर कम करने के लिए, जो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं, ये सोनोग्राफी में अपने को पता चलता है। तो उस कंडीशन में हमने अगर उसको अच्छे से ध्यान दिया सोनोग्राफी की, तो हम वो कॉम्प्लिकेशन टाल सकते हैं। तो हमने वो अति दुर्गम भाग में जहाँ पे सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारी मैडम थी शारदा एयर में, से बात करने के बाद हमने 25 लाख की वहाँ पे सोनोग्राफी ली, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क, जो कोलाम कम्युनिटी के लिए निःशुल्क है, निराधार लोग हैं उनके लिए निःशुल्क है, जो अपंग लोग हैं उनके लिए निःशुल्क है, और जो सैनिक है, जो माजी सैनिक है, उसके पूरे परिवार के लिए निःशुल्क है। और बाकी जो BPL कार्ड, केसरी कार्ड, पीला कार्ड और सफ़ेद कार्ड, मतलब 400-500 रुपये में हम उसकी सोनोग्राफी किए करते हैं। कि हमारा मिशन है कि हमारा मिशन जीरो कुपोषण, मतलब कुपोषण गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चा कुपोषित बच्चा पैदा होने के बाद उस पर खाना प्रोवाइड किया जाता, अमल किया जाता। हमारा है कि माँ के पेट में अगर बच्चा है, उसका वज़न कम है, तो तभी हाँ हेल्दी हो जाए, तो अपनी कुपोषण ही अपन पेट में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट के हिसाब से हमने गोंदोला के मार्फत हमने सोनोग्राफी की सुविधा देना शुरू किया है। उसके बाद मिशन ग्रेजुएट, दूसरा गोंदोला का कंसेप्ट है मिशन ग्रेजुएट, कि मिशन ग्रेजुएट के जरिए हर बच्चे का कम से कम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि सिर्फ एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, पाना के लिए नहीं होता है, कि हमें अच्छे स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन का महत्व ज़रूरी होता है। अगर आप नौकरी भी नहीं लगती तो एटलीस्ट आप खेती भी करते हो तो 4 किताबें पढ़ के अपन अच्छे से खेती कर सकते हैं। जो भांडवलदार लोग हैं, जो बिजनेसमैन लगे, उनसे हमारा शोषण ना हो, ये हमें एजुकेशन के मार्फत पता चलता है। दूसरी बात है कि ये लोकशाही प्रधान देश है, यहाँ पे विधान परिषद के भी चुनाव होता है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, नहीं तो गलत आदमी ही चुन के आएगा। तो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएशन, ये हमारा मिशन ग्रेजुएट का कंसेप्ट है। यानी आप बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं पढ़ने के लिए कुछ भी बनो, लेकिन ज़्यादा एजुकेशन लेना, दैट इज़ द प्रायोरिटी कि एजुकेशन लेना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके लिए हमने हेल्दी एटमोसफेयर पैदा किया है, जो जिन्होंने संघर्ष से ग्रेजुएशन किया है उन लोगों का हमने वहाँ पर सत्कार किया है, और हर स्ट्रगल किया है, जिन्होंने स्ट्रगल किया है तो उनका हम संघर्ष करना चाहिए, मतलब उनका हम सम्मान कर रहे हैं। क्या बात है। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि जोत से जोत जलाने का कंसेप्ट है, कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएट होता है तो उसने गांव में 10 बच्चों को ग्रेजुएट करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, वो एक गोंदोला, हाँ वो गोंदोला का कंसेप्ट है। हाँ सर जी, आपने कोविड में बहुत बड़ा काम किया, आज भी आप ग्राम आरोग्य सेना से काम कर रहे हैं, और जो आपने गोंदोला कंसेप्ट बनाया वो भी एजुकेशन को लेकर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी बातों को लेकर आज जो हमारे युवा हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं या बाकी चीज़ों में फंसे हुए हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उन्होंने एक ध्यान रखना कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आदिवासी संस्कृति है कि जो अपने पास है वो बांटने की संस्कृति है हमारी, बांटने की संस्कृति है, जो अपने पास है वो बांट दो तो क्या होगा कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक बच्चा का ग्रेजुएट हो गया तो उसने 10 बच्चों को ग्रेजुएट करना चाहिए, तो ये मूवमेंट चलती रहेगी। क्योंकि कोई राजनीतिक नेता अगर आएगा तो सिर्फ वोटिंग के लिए काम करेगा, ना कि आपकी तरक्की के लिए, क्योंकि आप एजुकेटेड होंगे तो आप अपना इतिहास जानोगे, फिर उनका गेम बंद हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो अपना इतिहास पढ़े और अच्छे आदमी को भी चुन के दे कि जो समाज के प्रति अच्छी सद्भावना रखता है। बहुत बड़ा मैसेज, अच्छा एजुकेट होना ज़रूरी है, बहुत बड़ा मैसेज। मैडम आपकी तरफ आता हूँ, आपसे एक ही सवाल है, और आपने जो महिलाओं के लिए काम किया या कर रहे हैं, तो उन महिलाओं में बहुत सारी जो गांव की महिलाएं उनमें गलत फहमियाँ ज़्यादा होती है, ये ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, उन सारी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं सोनोग्राफी तज्ञ हूँ, तो मैं पहली बार बात बताना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी कितने भी टाइम कर सकते हैं। काफ़ी महिला आती ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है सोनोग्राफी से हानि होती है, या फिर वो गांव के बाहर ही नहीं निकलते जब प्रेग्नेंट होते हैं स्पेशली। और ऐसे ज़्यादातर इन महिलाओं में पाया जाता है कि बच्चे का वेट कम होता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती, फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और फिर सीजरियन करना पड़ता है, फिर आर्थिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें। तो और ये सब की जड़ है कि शिक्षा का अभाव, जब शिक्षित, हाँ जानकारी और शिक्षा का अभाव, जब ये शिक्षित होंगी तभी उनको समझेगा कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी चाहिए, बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तभी उनको समझेगा। तो इसलिए जो हमारा कंसेप्ट है गोंदोला, मतलब सब में समान शिक्षा और सब में आरोग्य, सभी को समान मिले, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और शिक्षा और इस पे आरोग्य पे ज़्यादा ये कर रहे हैं हम लोग। सर जी, आप दोनों का नाम महाराष्ट्र भर में हुआ है, और आपके कार्य ऐसे ही चलते रहे और आगे चलकर पूरे इंडिया में आपका नाम हो, ऐसे में फड़ा पिन से प्रार्थना करूँगा, और वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति स्वार्थ नहीं देखते तो लोगों का भला देखते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को अपने कैमरे के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू बहुत बहुत, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।